आचार्य प्रमोद कृष्णम, देश किस तरफ जा रहा है? हिंदू अलग दुकान पे जाए, मुसलमान अलग दुकान पे जाए, ऐसे देश आगे बढ़ेगा? और किधर आगे बढ़ेगा, किसके लिए आगे बढ़ेगा? देखिए अदिति जी, एक सवाल है धर्म का, एक सवाल है सियासत का, एक सवाल है देश का। तो अगर मैं सियासत के ऊपर जाऊं तो सियासत तो हो रही है, सियासत होती भी रहेगी और सियासत होनी भी चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सभी लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से, सब अपनी अपनी मान्यताओं को, अपने अपनी परंपराओं को, अपने रीति रिवाज को और अपने अपने रिचुअल्स को निभाते हैं, निभाते रहेंगे। लेकिन अब सवाल पैदा होता है देश का। इस देश के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति है, वो हिंदू है या मुसलमान है या किसी और धर्म को मानता है, वो सब बराबर हैं। और अगर उनको बराबर का अधिकार दिया जाता है तो इस तरह, अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। है कि बयानबाजी किसी भी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट के द्वारा करना, ये बहुत अशोभनीय है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इसको आप अगर मगर लेकिन बट किंतु परंतु करके अगर आप इसको चाहते हैं कि इसको आप इसको डिफेंड करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि इसको जस्टिफाइड किया जाए, तो मुझे लगता है ये देश के हित में नहीं होगा। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि साहब किसी भी हिंदू से हम कोई सामान नहीं खरीदेंगे, ये भी गलत है। हम कहते हैं किसी मुसलमान से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, ये भी गलत है। हम कहते हैं कि अगर किसी मुसलमानों को मार दें, ये गलत है। अरे भाई, एपीजे कलाम भी मुसलमान थे, अब्दुल का आजाद, मौलाना आजाद मुसलमान थे। इस देश में सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण और राम के गीत किसने गाए? मोहम्मद रफी ने, मुसलमान थे। शकील बदायूं मुसलमान थे, अमीर खुसरो मुसलमान थे, वीर अब्दुल हमीद भी मुसलमान थे, अशफाक उल्ला खान जिसने देश की आजादी में कुर्बानी दी मुसलमान थे। देवा शरीफ के अंदर होली मनती है, अजमेर शरीफ के अंदर तमाम कवाली होती है, तमाम भगवान के गाए जाते हैं। ये सब ये क्या तमाशा हो रहा है? ये देश गलत दिशा में जा रहा है अदिति जी। हो सकता है मेरी बात कड़वी लगे, हो सकता है मुझे आप आलोचना, मेरी आलोचना करें, हो सकता है कि देश की जनता में एक पक्ष हो जो फैनेटिज्म को सपोर्ट करता हो, मेरे खिलाफ खड़ा हो जाओ। लेकिन किसी भी तरह का फैनेटिज्म सेपरेटिज्म को जन्म देता अदिति जी, और हर सेपरेटिज्म टेररिज्म में तब्दील होने में देर नहीं लगती। यानी कि अगर फैनेटिज्म है तो सेपरेटिज्म होगा, और सेपरेटिज्म है तो टेररिज्म बनेगा, तो जब टेररिज्म बनेगा तो देश का नुकसान होगा। अब सवाल इस बात का है कि कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, फैनेटिज्म, क्या हुआ, ये इसके पीछे तो सियासत है ना आचार्य जी। मैं एक बात आपने कही, मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं देती हूँ आचार्य जी, मैं सिर्फ सवाल पूछती हूँ। मेरा काम सवाल पूछना है और सवाल मैं हर पक्ष से पूछती हूँ। यहाँ बात यह है कि जब भी ऐसी डिबेट होती है तो एक तरफा बना दी जाती है, उसमें जस्टिफिकेशन भी दिया जाता है, उसमें वर्ड अबाउटरी भी होती है, और उस समय सवाल ये उठता है कि देश कहाँ जाएगा, क्योंकि हर पैनलिस्ट अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसका जवाब देने की कोशिश करता है। बहरहाल, एक कॉमेंट यहाँ पे मिलूंगी डॉक्टर रिजवान अहमद, जो मैंने आचार्य प्रमोद कृष्णम से पूछा, आज वही मेरा सवाल है। हिंदू हिंदू दुकान से ले, मुसलमान मुसलमान दुकान से सामान ले, ऐसे बढ़ेगा देश? क्या होगा इस देश का? जी जी, शुक्रिया। जय हिंद वंदे मातरम। जय हिंद। अभी हमारे भाई, वो सच्चे मुसलमान, जो सच्चे मुसलमान हैं वारिस भाई, मैं तो मुनाफिक हूँ, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि हम मुसलमान इस देश का हिस्सा हैं, यानी वो मुसलमान, मैं तो मुनाफिक हूँ। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल हैं। लेकिन भाई, मैंने तो ये कहते सुना है कि आदम अलैहिस्सलाम यहाँ उतरे, ये देश तो हमारे बप्पा का है, ये देश तो हमारे बाप का है, तो हिस्सा है मुसलमान तो हिस्सा ही बने रहो, पूरे भारतवर्ष को अपने बाप का ना बनाओ। जब तुम्हारे जुबान है तो फिर दूसरे की भी जुबान है, तो अपनी शैली को थोड़ा ठीक करो, पहली चीज। दूसरी चीज, सांसद ने जो भाजपा के बोली उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी, ये लॉ मेकर हैं, ये लॉ मेकर हैं, ये आदर्श होने चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक सांसद ने बोला था, जब योगी मठ में चला जाएगा तो तुम्हें कौन बचाएगा, तो जब पूछा गया कि क्या तुम हिंदुओं को धमकी दे रहे हो, तो सांसद के प्रवक्ताओं ने सफाई दी, नहीं नहीं हिंदुओं को नहीं, हम पुलिस को धमकी दे रहे थे। अरे हिंदू को तो भले दे दो, पुलिस को तो कभी मत दो। पुलिस का मतलब स्टेट, पुलिस का मतलब भारत का गणतंत्र। यार, तुम पुलिस को धमकी दे रहे थे कि तुम्हें कौन बचाएगा। तो इस तरह के दोनों बड़बोले जो सांसद हैं,
इन दोनों को अपनी शैली पर संयम रखना चाहिए। तीसरी बात, अदिति पूरी दुनिया में एज अ सोशल स्कॉलर, एज अ सोशल स्टूडेंट बता रहा हूं, जब भी बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में सांप्रदायिकता फैलेगी तो नुकसान अल्पसंख्यक को उठाना पड़ेगा, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो आर्थिक हो। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। इसका एक अर्थ भी है कि अगर अल्पसंख्यक हो तो भाषा में थोड़ा नरमी रखो, आंखें मत दिखाओ, आस्तीने मत चढ़ाओ। अगर ये करोगे तो बहुसंख्यक रिएक्शन मारेगा। कोई कह रहा था शाहीन बाग के टाइम पर अदिति, अभी जी 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 अभी जो बातें आपने कही, क्या वो जस्टिफिकेशन हो सकता है किसी भी रिस्पॉन्स का या फिर स्टेटमेंट का, जिस स्टेटमेंट पर आज हम और आप बहस कर रहे हैं, क्या उसका जस्टिफिकेशन हो सकता है? जी जी, देखिए अदिति जी, अगर हम कोई हार्ट की प्रॉब्लम लेके डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो हमारी वो चीजें टेस्ट करता है जिनका हार्ट से सीधे कनेक्शन नहीं होता है। तो सोशल साइंस भी एक साइंस है। आप किसी भी किस्से को आइसोलेशन में डिस्कस कर ही नहीं सकते। आपको कोई भी किस्सा, कोई भी वारदात, कोई भी घटना अगर डिस्कस करनी पड़ेगी तो इन टोटैलिटी करनी पड़ेगी, आप आइसोलेशन में नहीं कर सकते। और अपनी बात खत्म कर दूं, आलोक भाई ने कहा कि इन बातों का कोई अर्थ नहीं होता। आलोक भाई मेरे मित्र हैं, अक्सर इनसे मुलाकात होती है। आलोक भाई, इनका अर्थ हम लोगों को एज अ सोशल साइंटिस्ट नजर नहीं आता, होता है। ये अर्थ ऐसा होता है कि भाजपा 2 सांसदों से 303 पहुंच गई और लोग कहते रहे अर्थ नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। अर्थ होता है पर वो हमारे रडार में नहीं आता आलोक भाई। और ये हालात पल पल बिगड़ रहे हैं, और बतौर एक मुनाफिक मुसलमान सच्चे मुसलमानों को हिदायत देना चाहता हूं कि जुबान पर लगाम लगाओ। तुम्हारी गंदी जुबान गरीब मुसलमान के लिए नुकसान पैदा कर रही है। तुम तो 50 कमरों के घर में रहते हो सिक्योरिटी के साथ। कमेंट लूंगी मैं, तुम्हारे तो कॉलेज चल रहे हैं, आम मुसलमान परेशान हो रहा है। ठीक है सूफी खैरुद्दीन, पहले आप जल्दी से। अजीत जी, मैं जब से तमाम की गुफ्तगु सुन रहा था, अभी जो मुझसे पहले जो वो अपने आप को कह रहे थे कि मैं मुनाफिक मुसलमान हूँ, रिजवान अहमद, खैर वो क्या है किधर है वो बेहतर जानते हैं, लेकिन उन्हीं की जुबान से हमने ये जुमला सुना है। और उन्होंने साफ तौर पर ढके छुपे तौर पर नहीं बल्कि माइनॉरिटीज को और मुसलमानों को धमकी भी दे डाली है कि उन्होंने साफ कहा है कि जो अखिलियत में है वो जो है ना दबकर रहे, वरना अक्सरियत जो है ना उन पर हावी हो जाएगी। तो मैं ये मुनाफिक मुसलमान से ये पूछना चाहता हूँ, क्या हमारा देश का ये कानून इस बात की इजाजत देता है अगर किसी कौम का, किसी कम्युनिटी का अगर एक दो फर्द अगर जो है ना कोई गलती करते हैं तो क्या उसकी पूरी जिम्मेदारी पूरी कौम पर रायद होती है? और मैं ये मुनाफिक मुसलमान से ये कहना चाहता हूँ, जो अपने आप पे मैंने कह रहा हूँ, उन्होंने दो मरतबा दोहराया है कि मैं मुनाफिक मुसलमान हूँ, तो मैं इस मुनाफिक मुसलमान से ये पूछना चाहता हूँ तो क्या हमारे मुल्क का दस्तूर इस बात की इजाजत देता है कि एक दो की गलती को पूरी कौम को जो ना उसको जो ना निशाना बना जाए? ये कभी हमारे मुल्क का दस्तूर इस बात की इजाजत नहीं देगा, बल्कि हमारे मुल्क के 100 करोड़ हमारे सनातन भाई भी इस बात की इजाजत नहीं देंगे। आपकी तरह कई जो ना ऐसे लड़ाने वाले आएंगे, लेकिन यही 100 करोड़ हमारे। ठीक है, जल्दी से जवाब ले लीजिए, इन जैसे जवाब ले लीजिए। रिजवान अहमद, 30 सेकंड है आपके पास, प्लीज बता दीजिए। ठीक है, आपने सवाल पूछा है खैरुद्दीन जी, खैरुद्दीन जी आपने सवाल पूछा, जवाब लीजिए। रिजवान अहमद, 30 सेकंड है आपके पास, प्लीज जबान पे लगाम दो पहले। ठीक है खैरुद्दीन जी, आप भी मत धमकाइए, आप भी मत धमकाइए, कोई ना धमकाए किसी को, किसी को किसी को धमकाने की जरूरत नहीं है। प्लीज आप सब कानून के हिसाब से चलिए, ये देश खुद ब खुद आगे चलेगा। ठीक है, चलिए अब सुन लीजिए जवाब, तो सुन लीजिए जवाब, सुन लीजिए। सवाल ही पूछेंगे उसके बाद भाषण देंगे क्या? सवाल का जवाब नहीं चाहिए, लीजिए जवाब। जी 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 हाँ। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है
तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।